नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यदि आप अपने गूगल पे से अपने बैंक अकाउंट को हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो बिल्कुल ध्यान से समझना। आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा किस तरीके से दोस्तों आप अपने गूगल पे से अपने बैंक अकाउंट को हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले काम करना है, चैनल पर नए आए हैं, वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको काला कर देना है, नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपनी गूगल पे को इस तरीके से ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है, अपनी जो होम स्क्रीन का लॉक है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। लॉक डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री लाइन के ऑप्शन पे आ जाना है। अपनी प्रोफाइल पे ओके करने के बाद दोस्तों नीचे एक शेड आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट के नाम से, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप जिस बैंक अकाउंट को अपनी गूगल पे से हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं दोस्तों, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक थ्री लाइन दिखेगी, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यदि आप अपने गूगल पे से अपने अकाउंट को हटा देते हैं तो दोस्तों आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा और दोस्तों आपके अकाउंट को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको सेटिंग करनी है। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन है रिमूव अकाउंट के नाम से, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, इस पर क्लिक करना है और दोस्तों कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका जो गूगल पे में बैंक अकाउंट लिंक था वो दोस्तों यहाँ से हट जाएगा। आपके यहाँ पर ध्यान से देखना, जो आपकी ईमेल आईडी है वो भी हट रही है, आपका अकाउंट भी हट चुका है। अब दोस्तों कोई भी आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अब आपको क्या काम करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे एक शेड आना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग के नाम से, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, पर्सनल इन्फो, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आपको दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबसे ऊपर की साइड, पर्सनल इन्फो, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट लिंक था, आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिर भी दिखेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसको हटाना चाहते हो आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है, एडिट के ऑप्शन पे। दोस्तों यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता। दोस्तों अब आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पर इस पर डाल देना है। दोस्तों आप किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं जो आपका कभी आप यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों OTP डालने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस नजर आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। और दोस्तों जो आपके बैंक अकाउंट में यदि नंबर ये नहीं है तो वो दोस्तों यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यदि कोई आपके इस वाले गूगल पे से कोई आपके बैंक अकाउंट को लॉगिन भी करेगा दोस्तों, क्या बताएगा ध्यान से देखना। ठीक है, यदि हम इस बैंक को अब लॉगिन करते हैं तो दोस्तों इस तरीके का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। लेकिन दोस्तों आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा, ध्यान से देखना। इस तरीके का आपके सामने एक ऑप्शन आएगा और दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा, दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखो दोस्तों क्या आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, योर एक्सिस बैंक रजिस्टर्ड फॉर गूगल पे। ठीक है दोस्तों, ये मना कर रहा है कि ये वाला मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यदि आपको एक छोटी सी सेटिंग और करनी है जिससे आपके साथ कभी पूरी लाइफ में फ्रॉड नहीं होगा, दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सेटिंग के ऑप्शन में आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है साइन आउट का, दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है और साइन आउट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके यहाँ से सारे अकाउंट, जितना भी अकाउंट था वो दोस्तों डिलीट हो जाएगा और दोस्तों आप इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपने गूगल पे के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चलिए आपका दिन शुभ हो।